क्या आप पालक खाते हैं श्रद्धा? यस शेफ, मैं खाती हूँ पालक पनीर, पालक का रायता, पालक की रोटी। वेट, हम इस तरह से कुछ नहीं बनाने वाले। हम बनाएंगे एक डिश जिसका नाम है शाम सवेरा, जिसमें हम पालक के अंदर पनीर और खोए के कोफ्ते की स्टफिंग करेंगे और उसको फिर मखनी ग्रेवी में सर्व करेंगे। ओह वाओ, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है शेफ, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आइए श्रद्धा, चलिए बनाते हैं शाम सवेरा। बिल्कुल शेफ, व्हाई नॉट, चलिए। पर शेफ, जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे हमने स्पिनच पेस्ट रखा हुआ है, तो प्लीज बताइए कि ये कैसे बनाया गया है पेस्ट। इसके लिए आपको सिर्फ स्पिनच को बॉईल करना है, देन वी हैव टू कूल द स्पिनच, देन वी विल मेक अ पेस्ट आउट ऑफ इट। परफेक्ट शेफ, नोटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं शाम सवेरा बनाना। तो शेफ, क्या है हमारा पहला स्टेप? सबसे पहले हम खोया और कॉटेज चीज की डंपलिंग बनाएंगे। Okay. जो कि हम स्टफ करेंगे पालक के पेस्ट में। तो सबसे पहले लेते हैं पालक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पालक में हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम डालेंगे। ये जो है एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट, ये पालक को टूटने ही नहीं देगा। हमारे कोफ्ते वुड बी फर्म जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रेड क्रम। सो आई विल मिक्स इट। आप देख सकते हैं हमारा पालक और ब्रेड का मिक्सचर रेडी है। इसके बाद हम बनाएंगे पनीर और खोए की डंपलिंग, जो कि इस पालक के पेस्ट में जाएगी। इट वुड बी अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ पनीर। अब लेंगे हम खोया। इसमें डालेंगे थोड़े से चॉप नट्स टू मेक इट रिच। तो शेफ, ये कोफ्तों की स्टफिंग के लिए हम बना रहे हैं, राइट? यस यस, इट इज फॉर द स्टफिंग। ओके, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये सैफरन टू गिव दैट फ्लेवर एंड कलर टू दी। इसी के कारण हम देखेंगे जब हम बाद में कोफ्ता काटेंगे तो अंदर जो कलर आएगा इट विल रिसेम्बल द मॉर्निंग। तभी शाम और सवेरा, यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज गोइंग इनटू कुकिंग। एक्चुअली देन वी विल ऐड दिस व्हाइट पेपर। लास्ट में हम डालेंगे सॉल्ट। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं श्रद्धा, बिल्कुल शेफ, बहुत ही प्यारा कलर देता है केसर। तो आइए चलिए बनाते हैं कोफ्ता। इसके लिए वी नीड टू टेक स्पिनच इनटू आवर हैंड। इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे और हमें इंश्योर करना है कि हमें इसे जितना थिन प्रेस कर सकें उतना प्रेस करें। उसके बाद हम ये खोया और पनीर का मिक्सचर लेंगे इसके अंदर। दिस यू हैव टू डू इट वेरी जेंटली। इसको इसके अंदर स्टफ करेंगे और आप देखेंगे अब कैसे इसकी इट विल गो इनसाइड। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस इफ यू वॉन्ट। व्हाई नॉट, लेट मी ट्राई। ये देखिए, मेरी मम्मा बहुत खुश होने वाली है शेफ, मैं भी कुछ सीख रही हूँ। फाइनली एम आई गोइंग फाइन? यस यू आर गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक और बना देता हूँ। यस शेफ, वाओ शेफ, देखिए परफेक्ट नहीं पर काफी हद तक मैंने अच्छा, आई डिड जस्टिस टू इट, नो? यस यू विल गेट इट बाय प्रैक्टिस। यस एक्चुअली आई विल हैव टू प्रैक्टिस। Go. इसके बाद इन कोफ्तों को हम थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि जो इसके अंदर के फ्लेवर्स हैं वो एक दूसरे से मैच अप कर सकें एंड इट विल कम बेटर। तो इन द मीन टाइम हम एक काम करते हैं, हम इसकी ग्रेवी कुक कर लेते हैं। ऑलराइट शेफ, वी विल टेक अराउंड 50 ml ऑफ रिफाइंड ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची यानी कि कार्डमम। इसके बाद हम डालेंगे मेस, जिसको हम हिंदी में जावित्री बोलते हैं। नाउ वी विल ऐड सम chop garlic to it. It would be around 1 spoon.
गार्लिक की जो खुशबू है वो खुद ही बता देती है कि किचन में कुछ बन रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गार्लिक सौते हो गया। नाउ वी विल ऐड अ टोमेटो प्यूरी टू इट। इसमें कुछ नहीं, हमने टमाटो को ब्लांच किया विद सॉल्ट एंड कोरिएंडर पाउडर, देन वी हैव मेक अ पेस्ट ऑफ इट। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे, फ्रेश टमाटो प्यूरी। इट इज ऑलवेज नाइस टू यूज फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। वो फ्रेशनेस जो है खाने की वो इंटैक्ट रहती है। यस बिल्कुल, दिस मच वुड बी इनफ। नाउ वी विल कुक। यू कैन ऑलरेडी फील द स्मेल ऑफ गार्लिक। इसके बाद हम टमाटो प्यूरी को कुक होने देंगे। इन द मीन टाइम वी विल फ्राई आवर कोफ्तास। ऑलराइट शेफ, तो एकदम इसे खोलते हुए तेल में डालना है? यस, बिकॉज़ एवरीथिंग इज कुक्ड, द स्पिनच इज कुक्ड, द कॉटेज चीज इज कुक्ड, सब कुछ पका ही हुआ है, बस हमें खोलते हुए तेल में इसको डालना है। ऑलराइट शेफ, देखिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट टेम्परेचर है। पकौड़ों की बात से मुझे याद आया कि हम लोग अक्सर पकोड़े खाते हैं, एंड आई एम श्योर बींग एन इंडियन फैमिली हम सब ने कभी ना कभी जिंदगी में पकोड़े तो जरूर टेस्ट किए होंगे। बट जब भी हम बनाते हैं हम देखते हैं कभी कभी वो इतने क्रिस्पी नहीं है या इतने अपीलिंग नहीं है जैसे कि बाजार में हमें मिलते हैं। आई होप आपने भी कभी पकोड़े बनाए होंगे। जी बिल्कुल शेफ, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी कभी बन जाते हैं क्रिस्पी, पर बहुत टाइम ऐसा लगता है कि वो जो क्रिस्पीनेस है वो नहीं आ पा रही है पकोड़ों में। चलिए इसी से आज का सवाल हम ले लेते हैं। ये सवाल है हमारे व्यूअर्स के लिए कि पकोड़ों को क्रिस्पी, स्मूथ और अपीलिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और इसका जवाब हम आपको देंगे सेकंड सेगमेंट ऑफ द शो में। देखिए जैसे देख सकते हैं कि अब कोफ्ते फ्राई होना शुरू हो गए हैं और एक तरफ हमारी ग्रेवी पक रही है। We are doing multitasking. Yes, you need to be multitasking if you want to win kitchen. Yeah, actually. जैसा आप देख सकते हैं कि कोफ्ते और ऑलमोस्ट कुक, साथ हम इसको भी स्वॉल करते रहेंगे। You want me to help you, chef? Yes, if you can, I'll be very thankful to you. Yes, why not, chef? तो मैं भी तो सीख पाऊंगी। आज आपने मुझसे कोफ्ते बनवाए हैं, अब हम ग्रेवी भी बनाते हैं। तो very soon you would be becoming a chef. Not chef, but at least a good cook. देखिए कोफ्ते बिल्कुल कुक हो चुके हैं। जी। अब हम इसको टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि जो इसमें एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन्ड ऑफ हो जाए। परफेक्ट। देखिए ग्रेवी पकना स्टार्ट हो गई है। जी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शुगर। एक और ट्रिक है जो मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब भी हम टमाटो का कुछ बनाएं, फॉर एग्जांपल अगर सूप बना रहे हैं, कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं, टमाटो जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, थोड़ा खटास रहता है, तो इसीलिए शुगर गोस बेस्ट विद टमाटोज। तो अगर टमाटोज की ग्रेवी या किसी भी चीज में आप शुगर यूज करेंगे, यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्रीम। विल टेक द टेक्सचर टू द स्मूथ थिंग। तो आप देखिए जैसे क्रीम डाला मैंने, द होल टेक्सचर ऑफ द ग्रेवी हैज बिकम स्मूथ एंड द होल कलर हैज चेंज्ड एंड द होल कलर हैज आल्सो चेंज्ड। सिंस वी आर कुकिंग अ रॉयल डिश, यू विल ऐड सम बटर आल्सो, नॉट टू मच। आफ्टर दिस वी विल ऐड सम कसूरी मेथी पाउडर, व्हिच इज अ वेरी मस्ट फॉर मखनी ग्रेवी। कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा अरोमा सेट करती है। इन फैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट एरोमेटिक स्पाइस इन इंडियन हिस्ट्री। Now we add salt to this. अब हमारी ग्रेवी पूरी पक चुकी है, तो we will do the plating. जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम कोफ्ते को काटेंगे तो अंदर से it will have that appearance of. ये देखिए आप कलर देखिए श्रद्धा। Wow, chef, beautiful. आप कह सकते हैं कि the dish is doing justice to itself. Yes, actually. सबसे पहले हम ग्रेवी को बेस पे पोर करेंगे। ओह। बिकॉज हमने जो कोफ्ते बनाया है, वी नीड कि जो कोफ्ते का अपेयरेंस है, शाम सवेरा जो डिश का नाम है, इट शुड जस्टिफाई दैट। देखिए हम इस पे कोफ्ते को प्लेस करेंगे। अब हम इसमें गार्निश में थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर, जीरियंस जिंजर के, वी विल ऐड सम क्रीम टू इंक्रीज दी ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ दी डिश, थोड़ा सा केसर ऑयल। तो ये देखिए
रेडी है शाम सवेरा। वाव ब्यूटीफुल शेफ, कितना सुंदर आपने डेकोरेट किया है इसे, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है शेफ, वेरी नाइस। तो दोस्तों देख लिया आपने कैसे प्रेजेंट करना है, बिकॉज अभी मैं सिखाने वाली हूँ, प्रेजेंटेशन बिगड़ने वाली है, बट आपको टेस्ट भी तो बताना है, सो लेट्स टेस्ट इट शेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन का मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ही सुंदर लग रही है, नाउ लेट्स टेस्ट इट। कोफ्ता भी आना चाहिए और ग्रेवी भी। परफेक्ट शेफ, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द कोफ्ता, बाहर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, बहुत अच्छा केसर का फ्लेवर आ रहा है, कसूरी मेथी का ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर है, और ये जो टेक्सचर है क्रीमी टेक्सचर, बटरी फ्लेवर बहुत अच्छा है। इन शॉर्ट बेसिकली कॉफी और ग्रेवी आपस में बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, सो परफेक्ट, दिस इज अमेजिंग। एंड टॉकिंग अबाउट द ग्रेवी, आपको अगर कोफ्ते नहीं खाने हैं इसके साथ, आप सीरियसली इसमें पनीर ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, वर्थ।